देखिए दोस्तों, यह जो एलईडी है यह बैटरी से चलने वाला एलईडी बल्ब है। इसके दोनों पिन को इस तरह से अगर हम उंगली से छूते हैं तो यह बल्ब जलने लगता है, लेकिन अभी मेरा उंगली सूखा है तो यह बल्ब नहीं जल रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने अपने उंगली को गीला कर लिया। अब देखिए, जैसे ही हमने बल्ब के दोनों पिन को उंगली से शॉर्ट किया तो यह बल्ब जलने लगा, लेकिन अगर हमें इस बल्ब को कहीं पर लेकर जाना होता है तो हम हमेशा इसमें अपने उंगली को तो नहीं रख सकते, तो इसके लिए हमें एक डिवाइस बनाना होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जो डिवाइस बनाकर बताऊंगा वह आपका सिर्फ 10 रुपए में बनकर तैयार हो जाएगा, और इस डिवाइस को बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमें एक बल्ब होल्डर चाहिए होगा। दोस्तों, आप कोई सा भी बल्ब होल्डर ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसके पीछे के ढक्कन को खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, बल्ब होल्डर में 2 पिन होता है, तो अब हमें एक छोटा सा वायर चाहिए होगा। वायर के दोनों एंड को हमें इस तरह से छील लेना है। अब चलिए दोस्तों, इसका कनेक्शन कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, वायर को इस तरह से डबल कर लेना है और बल्ब होल्डर के किसी भी एक पिन में इसका कनेक्शन कर देना है। तो मैं इस वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। पेज को आपको लूज नहीं रखना है दोस्तों, नहीं तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। अब देखिए, इस वायर के दूसरे एंड को भी हमें इस तरह से डबल कर लेना है और इसे बल्ब होल्डर के दूसरे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इसे बल्ब होल्डर के दूसरे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए, मैंने बल्ब होल्डर के दोनों पिन को एक वायर की सहायता से शॉर्ट कर दिया। अब इतने में हमारा यह डिवाइस बनकर तैयार हो गया। अब मैं इस होल्डर के ढक्कन को इसमें वापस से बंद कर देता हूँ। देखिए, मैंने इसको अच्छे से बंद कर दिया। अब मैं आपको इस बल्ब होल्डर में बल्ब को लगाकर दिखाता हूँ। इसमें आपको सिर्फ बैटरी वाले बल्ब को ही लगाना है दोस्तों। देखिए, जैसे ही मैंने बल्ब को होल्डर में लगाया तो यह बल्ब जलने लगा। अब इसे आराम से आप कहीं पर भी रख सकते हैं। बल्ब में उंगली रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।